नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने अतिमत्त चरित्राय स्वास्थितानां च पालिने जीव दुखे सदार्ताय नाम प्रेम प्रदाय वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै प्रदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनोपिरह कातरयाज भाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधेतं नयमा हमने कल बतलाया था कि हमारे वैदिक धर्म का सनातन धर्म का उसी को वैष्णव धर्म कहिए भागवत धर्म कहिए का मूल प्राण स्वरूप है भगवान का रूप मानना। जो लोग भगवान का रूप नहीं मानते वे सनातन धर्म को मानने वाले नहीं है। इसीलिए हमारे वेदों में पुराणों में वेदांत में महाभारत में रामायण में ये विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि करने वालों के भी जो ईश्वर हैं उन समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर भगवत्ता के चरम प्रतिपद वो हैं, उनका रूप है, उनका गुण है, उनकी दया है। यदि रूप नहीं मानेंगे तो निराकार जीरो शून्य हो जाएंगे। हमने दो दिनों तक तरह तरह के उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाने की चेष्टा की, इसलिए आप पक्की धारणा रखेंगे कि जो लोग यह कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है निराकार है वो लोग ठीक नहीं कह रहे। निराकार इसीलिए कहा गया कि इन आंखों से नहीं देखा जाता, किंतु साथी साकार वो हैं, उनका रूप है, वही रूप लेकर के रामचंद्र जी सब समय आते हैं, वही रूप लेकर के कृष्ण आते हैं, वो बदलता नहीं है किंतु साधन के द्वारा प्रकटित होता है। इन आंखों से तो आत्मा भी नहीं दिखाई देती तो फिर वो कैसे दिखाया, किंतु है रूप, सच्चिदानंदमय रूप है। एक बार दर्शन करने के बाद में फिर वो दर्शन बंद नहीं होता है और वो आदमी मुक्त हो जाता है। आज मैं आप लोगों से, कल तक तो हमने रामायण से दो एक उदाहरण लिए, आज हम लोग एक उदाहरण लेंगे भागवत से। एक ऐसा ही कुछ नास्तिक स्वभाव का एक व्यक्ति था जिसका नाम हिरण्यकश्यपु था। उसका बेटा प्रहलाद हुआ। हिरण्यकश्यपु भगवान के रूप में रूप को नहीं मानता, भगवान नाम की कोई चीज है ये भी नहीं मानता। यदि भगवान है तो निराकार है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसको कोई शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, और उसको हम ही लोगों ने बनाया।
उसकी धारणा ये थी। किस प्रकार से दोनों में वाद विवाद हुआ बचपन से ही, प्रहलाद महाराज जी भगवान का नाम करते थे और इसका विरोध करता था उसका पिता। कैसा पिता था, कैसा ब्रह्मा जी के वर्षे न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न किसी प्राणी से मरेगा, न अस्त्र शस्त्र से मरेगा, न घर के बाहर मरेगा, न भीतर मरेगा, न किसी महीने के अंदर में मरेगा, न आकाश में मरेगा, न पताल में मरेगा, ऐसा सब भर ले लिया। वज्र की भांति 25-26 वर्ष का नौ युवक जैसा, वज्र जैसा शरीर और समस्त देवताओं को भी परास्त कर लिया। उससे प्रहलाद महाराज जी से कैसे बनी और कैसे भगवान प्रकट होकर के दिखलाया उस नास्तिक को और एक क्षण में उसका काम तमाम कर दिया, इसके विषय में हमारे ब्रह्मचारी प्रेम प्रयोजन जी कुछ प्रकाश डालेंगे। प्रेम ब्रह्मचारी प्रेम प्रयोजन प्रभु शुड कम एंड यू शुड एक्सप्लेन इन वेरी ब्रीफ दैट हाउ प्रहलाद महाराज चॉन्टेड हरिनेम एंड हाउ हिरण्यकश्यपु ट्राई टू कंट्रोल हिम बट ही कुड नॉट। Within half an hour, not more than that. Was going of my Dhanavad Pushpanjali thousands of times at the lotus feet of Guru Bhargava, Vishnupad, Shishimad, Bhaktivedanta, Narayana Goswami Maharaj. Secondly, after my Dhanavad Pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru Bhargava, and I offer my respect to all the assembled Vaishnavas according to their eligibility. So, Srila Gurudev has ordered me to speak something about the pastimes of Narasimhadev and Sri Prahlada Maharaj. Once there was a very qualified, powerful personality. He was qualified in all respects. He was very educated. He was so learned in Veda and Upanishad. He was very strong and young and healthy and charismatic and had so many qualities. Yet, he was an atheist. His heart was devoid of the tendency to render loving service to the Lord. And therefore, despite having everything at his command, he could not be happy. Once it happened that his brother, Hiranyaksha, was killed by Vishnu. And upon hearing this, Hiranyakashipu became very furious. And inspired by his fury, he went to the Mandara mountain and performed austerities there for thousands and thousands of years. And as a result of this austerity, he satisfied Lord Brahma and begged for Lord Brahma a benediction. Oh my Lord, I want to become immortal. Brahma, he admitted that actually I have no power to give you this benediction. You should ask for something else. So Hiranyakashipu, he was very intelligent. So he thought, if you cannot give me the benediction of immortality, then give me the benediction that I will not die during the day or the night. I cannot be killed within the house or outside of the house. I will not be killed on the land, in the air, or in the water. I will not be killed
within a year or outside of any year or month. I cannot be killed by any man or animal or any creature created by you. I cannot be killed by any demigod, then I cannot be killed by any weapon. Upon hearing all of these requests, Brahmaji, he gave him the benediction. So be it, let it be fulfilled. And then Hiranyakashipu was very proud. He thought, yes, now I have attained the goal of becoming immortal. Now I will enjoy unlimitedly. And with this pride, he stormed the heavenly planets, took over the kingdom of Indra, and there he reigned as king, having all of the devatas under his control, controlling everything in the universe by a very grip of terror, a great grip of terror. Everyone was afraid of him. So Hiranyakashipu, he became he felt that he was the supreme personality in the whole universe. But he had one son. His son was a small boy, only 5 years old, named Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj was being educated by the sons of his guru. His guru was Shukracharya, and the sons of his guru, their names were Sanda and Amarka. So one day, he called for his son, "Oh my boy, please come and sit on my lap." And Prahlad Maharaj came and sat on his lap. And Hiranyakashipu, he asked his son a question. "Oh my dear boy, you have been going to school now, learning many wonderful things, I'm sure. Can you please tell me, what is the best knowledge you have learned from your teachers? What is that?" His small 5-year-old boy replied to his father, "Tat sadhu mande asuravaya dehinam sada samudvegna diyam asatkaha hitvatupatam brihamanda kupam vanam gatoya harimasvetha." He replied very politely to his father, "My dear father, O king of the demons, anyone who has accepted a body within this material world and has accepted a bodily conception of life, they will certainly be embarrassed by unlimited varieties of anxiety in this world. They have fallen into a deep dark well of household life in which they cannot find any real happiness. So my advice to them, the true advice to them, is that they should come out from this dark well and go to the forest, Vanam, which forest? To Vrindavan. And there, they should take shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Krishna." When Hiranyakashipu heard this, he was infuriated. "How is it that my boy has become like the menial servant of my arch enemy Vishnu, Narayan, the killer of my own brother?" He became so angry. He told the teachers, "Immediately take this boy away and protect him and educate him in the true conception of life, in the real path of auspiciousness. It appears that some Vaishnavas have entered into the school in disguise and have polluted his intelligence." So Sanda and Amarka, they reassured the Hiranyakashipu, "Don't worry, we'll give him a very good education." And they took the boy away. And every day, they began to teach him the philosophy of the demons. What is that? The goal of life is to become powerful, to accumulate wealth, to conquer over one's enemies by sun, dun, bait, and thunder. If you have any enemy, then the first thing is, you can try to pacify him with sweet words. If your enemy does not respond to sweet words, then you should give him some money, bribe him, put him in a lucrative post or position in your government, and in this way, he will become your friend. If that doesn't work, then you divide him from his allies and isolate him. And if that doesn't work, then you will have to resort to physical punishment and kill him. So this was the education given to Prahlad Maharaj by his teachers, Sanda and Amarka. Who is Sanda and who is Amarka? Sanda means bull. Because Sanda, his consciousness,
but he had a human form. He was no different from a bull. What is the consciousness of a bull? Yasyatma buddhi kunapeshi kathuke. So adi kalatari shivoma ijadi. Yatita buddhi shalilena kahijas gyanesha abhigesha sa eva gokara. Who is like a bull? Is a bull a person with two big horns and four legs and a tail? He is also a bull. But who is also in the category like a bull? Yasyatma buddhi kunapeshi kathuke. Anyone who thinks that this body, which is made of three elements, kapha, pitta, and vayu, that this body is the self. I am English, American, Indian, Fijian, man, woman, young, old, black, white. Any of these conceptions, that person is just like an ignorant and foolish animal. So, a person whose consciousness wants to become sunk into affection for the temporary relations of this world, like husband, wife, children, and all family members. This is the same consciousness. A person who thinks that the land of his birth is worshipable. I was born here, so this land is great. And finally, a person who goes to the holy places, and there he takes bath in Ganga or Jamuna, and then leaves. But going to those holy places, he does not seek out the association of a sadhu, the association of a pure devotee who has realized who am I and who is God. If he goes to the holy place and takes bath, but he does not take shelter, he does not avail himself of the good association and guidance of the self-realized Shuddha Bhakta, the pure devotees, then he is also like a cow or an ass. So Sangha, he was the embodiment of this verse. And the other person, the other teacher, his name is Amarka. Amarka means darkness, the darkness of ignorance, which ensues for those who are not engaged in the service of the lotus feet of Swami Bhagavan Sri Krishna. So these two persons were trying to instill a so-called education in Prahlad Maharaj. And Prahlad Maharaj, outwardly, he was very, very tolerant, and he went along with his lessons as if he was a perfect student. So, Sangha and Amarka, they got the impression that yes, now Prahlad Maharaj, he's given up his childish path of thinking that he's a devotee of Vishnu, and now he's become quite mature and learns the real philosophy of life. So, Prahlad Maharaj was dressed in very beautiful clothes and bathed and decorated and brought again before his father. So when Prahlad Maharaj came to his father, then Hiranyakashipu, he was so pleased to see his son. He had such deep feelings of affection, or rather, mature attachment for Prahlad Maharaj. He took his son on his lap, and with tears in his eyes, he began to embrace his boy, and out of parental affection, began to smell his head. Oh my boy, please tell me, you've had such a good education now. Can you tell me, what have you learned? What is the best thing? What is the essence of all knowledge that you've learned from your teachers? Prahlad Maharaj replied, my dear father, I have learned that the sum and substance of knowledge is Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atman Nivedanam Iti Pumsapito Vishnam Bhaktischanda Balakshana Kriyati Bhagavatita Kanmanye Dita Uttamam. My dear father, hearing about the transcendental activities of the Supreme Personality of Godhead, and doing kirtan, glorifying the Supreme Lord, always engaging the mind in remembering and serving his lotus feet, Padasevanam, becoming the servant of the feet of the Lord, Archanam, worshipping the deity form of the Lord in the temple, offering prayers to the Supreme Lord, becoming the friend of Narayan, becoming the servant of Narayan, and giving one's heart completely to Narayan, having no other self-interest. This is real education. This is real knowledge. A person who has understood this is to be understood to have known everything and learned the conclusion of life. Iti pumsa pito vishnam praktisten nabalakshana. Prahlad Maharaj said, one should dedicate his life completely, completely surrendered to Vishnu. And then, being surrendered to Vishnu,
He should engage in these nine processes. Shravanam, Kirtanam, Vishnu. There is a very deep teaching here in the words of Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj said, first surrender completely to Vishnu and then hear and chant and remember. The teaching here is that one may say, I am chanting Hare Krishna, Hare Krishna. I am doing some kirtan and hearing about Krishna. And yet, I have not realized anything. Bhakti is not appearing in my heart. I have not had the darshan of the Supreme Lord. So I think that this bhakti and this bhajan is nothing. No. Prahlada Maharaj is saying, for hearing, chanting and remembering and rendering service to the Supreme Lord, first thing is surrender. First surrender one's life to the service of the Lord. Surrender one's independence. And then hear, chant and remember. But there's another teaching here. Iti Pumsapitam Vishnum. One should surrender to Vishnu. But we do not know where is Vishnu, who is Vishnu, what does he want. So we should know that Bhagavan has two features. Vishai Bhagavan and Ashray Bhagavan. Vishai Bhagavan means the Supreme Personality of Godhead himself. But in our conditioned stage, we cannot see him. We do not know him. We cannot understand what does he want from me. So how can we render service to him? So fortunately, that Vishai Bhagavan, the object of all of our service, manifests in this world in another form. That is called Ashray Bhagavan. The form of Bhagavan to whom we take shelter. And this form we can see, we can speak, we can inquire from and learn exactly what does the Supreme Lord want from me. And in this way, render favorable and pure devotional service. What is that form of Bhagavan, the Ashray Bhagavan, who appears in this world so kindly out of his causeless mercy to give us the opportunity to render service and become pure devotees? Who is that? That is Sadguru. The Supreme Personality of Godhead appears in this world in the form of his pure devotees. So here Prahlada Maharaj is saying, one should seek out the pure devotee and fully surrender at his feet. Inquire from him submissively and render service unto him. By hearing, chanting and remembering under the guidance of a pure devotee, undoubtedly the heart will become free from all unwanted desires. One will develop pure love for the Supreme Lord and one will see the Lord face to face without a doubt. So when Hirani Kashipu heard these words of Prahlada Maharaj, he looked at the teachers of Prahlada Maharaj. Sanda Namaka, you traitors, what are you doing teaching my boy these things? You're fit to be punished. Sanda Namaka said, you should not speak to us like this. We are the sons of your guru, and we are Brahmanas. And what's more, we have not taught the boy these things. We have given him a very good education, according to your will. I don't know where he's learning all of these things. So then Hirani Kashipu, he turned his attention to Prahlada Maharaj. Oh, wicked boy, where have you learned all of these things? Please, give me an answer. Speak the truth. Prahlada Maharaj said, Machina Krishne Aparato Satova Mito Pipade Kagriha Pratanam Adantarobhir Vishatantanishvam Puna Puna Svavita Charvanam. My dear father, those persons whose senses are uncontrolled and who are very determined to follow the body conception of life, always thinking in terms of me and mine, those persons, their inclination towards the loving service of Krishna can never be aroused. It is not aroused by their own efforts. It is never aroused by the instructions of others or a combination of both. But instead, because their senses are uncontrolled, they make very rapid progress in their life towards the direction of hell. They are going towards hell. And as they are going, what is their activity? Puna puna stargata charananam. They madly engage in chewing the truth. What is the meaning of this? To madly engage in chewing the truth. Just like if someone takes some sugar cane
And chews actually came. And so all the juice has gone out of it. This is called the chews. And then they throw it away. If any other person comes and takes that, he can chew and chew and chew. But no flavor will come. No taste will come. So this is the nature of people in this material world. They're trying again and again. Through money. Through their family relationships. Through power and prestige. And in so many ways, they're trying to chew this world and squeeze out some happiness for themselves. But despite their fervent attempts, they're always frustrated. They cannot find any juice there which will satisfy the yearning of their heart. They're always frustrated. So then, Prahlad Maharaj, he said, he described the condition of these people. What happens to them? These persons, they have no idea of what is the goal of life. They do not understand that their own self-interest is not in all of these temporary material sense gratifications. Their own self-interest is in serving the lotus feet of Vishnu. But they do not know. And therefore, they are overpowered by many, many material desires, by so many ambitions and aspirations to enjoy this material world. In their hearts, they consider that the temporary external things of this world have some value. When in fact, they have no value, but they simply bring us so much misery. Such persons whose hearts are filled with so many material desires, they seek out a leader, they seek out a guru, they are quite blind, and they take shelter of a guru who is as blind as they are. And taking initiation from such a blind guru, they follow that blind guru. And just as a blind person who is led by the hand of another blind person falls into a ditch and becomes ruined, in the same way, their lives are completely ruined. They are bound up very tightly by the results of their fruitive actions, and in this way they are forced to undergo the reactions, the consequences of their activities in the chain of birth and death without end. They are so unfortunate. How will they be free from this condition? Prahlad Maharaj then gave us some very good advice. Oh my Lord, such persons who have this materialistic demeanor, they are anarthas. All the unwanted things within their hearts will never disappear. Their inclination towards bhakti, towards pure devotion, will never be aroused unless they smear upon their entire bodies the dust of the lotus feet of a pure devotee who has no desires. He has no attachment for this material world whatsoever. Niskinchan bhakta. He never thinks anything is his. He does not have any ambition to accumulate power and wealth and followers in this world. By taking shelter of the lotus feet of such a pure devotee, only then will all of the wicked, mature desires in the hearts disappear, and that inclination towards the service of Krishna be aroused. Otherwise, it is quite impossible. We will have to smear our entire bodies with the dust of the feet of a pure devotee. That means to surrender to the pure devotee of the Lord, and pray very fervently that all of his moods of love for Radha Krishna will appear in our hearts. Only then will all of our problems be solved and we will attain perfection in our lives. When Hiranyakashipu heard this, he became very furious. He said, Prahlad, you are such a wicked boy. Just as
if in the body a disease comes, then even though the liver of the body is part of one's own body, this disease may spread, and therefore that limb must be cut off. So even though you are a member of my own family, because I cannot control you, and because you entered the camp of the enemy, you should be cut down. Guards, come, take him away and kill him. So then the guards of Hiranyakashipu, who were very vicious, rakshasas, fond of eating the flesh of humans, they came there and they took Prahlada Maharaj away and tried to kill him by various means. First of all, they took sharp weapons and tried to pierce the tender body of this small boy. Yet their weapons could not kill him. So then they tried another technique. We will throw him under the feet of stampeding elephants. But when the elephants came there, just by touching Prahlada Maharaj, they felt some electric shock in their body, and trumpeting very loudly, they became afraid and all ran away. What to do? Now we'll administer to him a very deadly poison. But he took the poison, and by the grace of Vishnu, that poison turned to nectar, and he was unharmed. They threw him into a pit of deadly snakes, but he was not harmed by the deadly snakes. In so many ways, they tried to kill him. They threw him from the top of a cliff, but he was caught by Narayan himself and escaped unharmed. When Hiranyakashipu came to hear of this, he became so disturbed. What is the problem? Why won't this boy be killed? I have tried so many things, yet he will not die. Because I cannot control him. Perhaps it may be that he will kill me. And he felt such anxiety. At that time, the sister of Hiranyakashipu, Holika, she came there and said, "My dear brother, don't worry. This is not a very serious matter. I have a benediction from Lord Brahma that I cannot be burnt in a fire. So you prepare a very, very powerful fire, and I will take the boy on my lap and walk into the fire. He will be burnt to ashes, and I will emerge unburnt, and in this way all your problems will be solved." So then Hiranyakashipu prepared a very huge pyre, and Holika, she took the small boy, "Oh, please come to your auntie and sit on my lap, on her lap," and sat there, and the fire was set ablaze. And in a moment, Holika was burnt to ashes, but Prahlada Maharaj, he was completely untouched. And he was just chanting, "Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare." Always remembering the lotus feet of his Prabhu. So then, Hiranyakashipu, he was so disturbed. Sandra Amaka came to him and said, "Oh my master, don't be alarmed. Our Gurudev, our father, Shukra Acharya, is not here now. Soon he will come back. So we will take care of Prahlada Maharaj. He is just a small boy. He will not do anything. And when our father returns, he is very intelligent. He will think up a plan to solve any problem. So don't be alarmed." So then Sandra Amaka, they took Prahlada Maharaj back to school. Prahlada Maharaj once again was acting in the capacity of a very perfect student. So one day, when Sandra and Amaka, they had to leave the classroom to attend to some duties, they told Prahlada Maharaj, "Oh Prahlada, we are leaving now for some time. So you should be the monitor of the class and take care of all the boys and make sure that they do not engage in any mischief." So then Sandra and Amaka, they took their leave. When they had gone, immediately Prahlada Maharaj seized this opportunity to give some instruction to his friend on the path of bhakti. His friends began to play. He said, "Oh my dear friends, you can put down your toys. Don't play now. Please come and listen to me. I want to teach you a new game. It will be very beneficial to you." So the boys, who respected Prahlada Maharaj, they came to him and said, "Oh Prahlada Maharaj, what is it that you want to tell us?" Prahlada Maharaj said, "My dear friends, we should all serve the Supreme Personality of Godhead. We should do bhajan." The boy said, "Why should we do bhajan? We are small boys. No need for bhajan. We will play now and we'll enjoy so much. And when we become very old and decrepit, and we're good for nothing and cannot do anything else, that time we'll do some bhajan after we've enjoyed so much." Prahlada Maharaj said, "No. Kamara Acharya Pagyo Dharan Bhagavatam Hitam
Durbhavanavajanma Tarapya Dhruvam Arthadam. My dear friends, do not think in this way. You are thinking, when I am old, I will do bhajan. But can you give me any written guarantee that old age will come to you? Death may come at any moment. So please, try to understand this advice. Kamara Acharek Pragyo. Those persons who are endowed with sufficient intelligence will pragya. They will serve the Supreme Lord from the very beginning of their life, from their childhood. Why? Gola Bhamavan Bhakmanavajama. This human form of life is very rare. There are millions of species of life. And to take birth as a human being is a very rare achievement. So one who has taken his birth should immediately engage all of his energy in the service of the Lord. Because although this human form of life is temporary, Yadapya Dhruvam, it is temporary, that may be, but Arthadam, this life can give one such very great wealth. What is that? Praying. The real Artha of life is praying, to develop love for the Supreme Lord. This cannot be had in any other species of life. So you should try for this from the beginning of your life. Otherwise, if you do not serve the Supreme Lord, then you will be overwhelmed by so many material attachments. Those who attach in this material world, they can never be happy. They will undergo birth and death again and again. They will become surrounded by children, grandchildren, and great-grandchildren. And how can they ever come out from this situation? When a man has a wife who is always serving him with great affection, always sympathetic to his problems, and always satisfying him in a solitary place, how can he ever forget his loving wife? How is it possible? He can never give up her association. When he has very beautiful children who always speak to him with very sweet and broken words, then his heart becomes charmed. He cannot forget them. What to speak of the children? Even the house has so many pieces of furniture and so many ornaments. He becomes deeply attached to them, even the dogs and horses and any animals he has. And in this way, his heart and mind is always filled with the pictures of these temporary material things, and they will never leave his mind. He cannot think of the Supreme Lord for a moment. In this way, he's exactly like a silkworm. The silkworm makes a cocoon and wraps himself in soft silk, but finally, he's unable to get out from that. What can he do? So from the beginning of life, one should engage in bhajan. In this life, one may live for at most 100 years. But the first 10 years of life, everyone is quite senseless. Children, they have no good sense. Then the next 10 years of his life, he becomes young and strong and does so much sports and playing. And gets an education to become expert in a skill whereby he will maintain himself. The last 20 years of his life, one is struck with old age and cannot do anything. And half of that 100 years is completely gone just by sleeping. Simply in sleep. So in this way, 50 years is lost in sleeping, 10 years is lost in childhood, 10 years is lost in getting an education, 20 years is lost in old age. So there are very small few years are remaining. And during that time, one becomes absorbed in fulfilling his desires for money, wealth, family, prestige, and position in society, and all of these things. In this way, he passes his life quite uselessly. He doesn't have the sense to understand that this form of life which is so precious is being lost. He is very careful to note that one penny is not lost in mismanagement. But he is unaware that his life which is so valuable is being lost at every moment. And that thing which cannot be bought back by any amount of money is simply going down the drain. When the boys heard this, they were so surprised. Oh, Prahlad Maharaj, we've never heard these teachings from our teacher Sangha and Namaka. So where have you learned all of these things? Prahlad Maharaj said, before I was born, while I was still in the womb of my mother, then at that time, the demigods, headed by Indra, they came to my home where my mother was residing. Because my father, Hiranyakashipu, was away doing austerities to become immortal. Indra and the devatas were thinking, oh, this
This Hiranyakashipu is so terrible, and now his wife is pregnant. When she gives birth to the boy, this boy, like father, like son, he will be exactly like the son. So we will capture her, and when she gives birth, we will kill the boy, and in this way save ourselves from great difficulties in the future. So they came there to take away the wife of Hiranyakashipu. Kayadu. Yes. Kayadu. So when they were taking her away, she began to scream most piteously, "Oh please, save me, save the child in my womb." At that time, Narad Muni appeared there and told the demigods, "You should leave this woman. You think that there is a demon in her womb, but actually there is a great Vaishnav, a great devotee of the Lord there. So even if you try to kill him, you will be unable to kill him, because the pure devotees are always protected by Bhagavan." So then the Indra and the Devatas, on the advice of the Narad Muni, they gave their pranam to that devotee. They circumambulated Kayadu, and then they returned to their heavenly abode. And Narad Muni took Kayadu to his ashram, and there she served him with great devotion. And every day Narad Muni would speak Srimad Bhagavatam, and all the Naam, the glories of the name, the form, the Roop, Guna and Leela of Bhagavan. So for thousands and thousands of years while Hiranyakashipu was away, Kayadu was hearing the sweet Harikatha of Narad Muni. But later, she was very simple and she forgot everything. But at that time, Prahlad said, "I was in the womb, and I heard all of these things. So I have got this education in bhakti from my Gurudev, Narad Muni." The boy said, "What have you learned from your Guru Narad?" Prahlad Maharaj said, "I have learned from him that we are not part of this material world. We are transcendental, Atman, the spirit soul, part and parcel of God. And our only duty is to serve the Supreme Personality of Godhead." So then the boys asked, "If we are meant to serve the Supreme Personality of Godhead, then how should we do it?" Prahlad Maharaj said, "Guru Susrusraya Bhaktya Sarvalabhapanenacha Sangena Sadhubhaktanam Ishwararadhanenacha." "Oh my dear friends, if you want to serve the Supreme Lord, first thing, you will have to surrender to a bona fide guru, to the representative of the Supreme Lord. And there, going to the feet of guru, one must serve him with great devotion and give him everything, offer to him everything at one's command. And not only that, but sangena sadhubhaktanam. One should serve the guru in the association with the help and guidance of sadhus, of pure Vaishnavas. Then the service of guru will be effective. Just like if one is performing a fayagya and one offers oblations in that fayagya, it may be effective. But if there's no fire, if there's only ashes and one is putting ghee in the ashes, then this will not be yagya. There will be no fruit of this so-called sacrifice. So in the same way, one should serve guru. But one should also serve Vaishnavas and take their help and advice. And then one's service to guru will be so effective. Otherwise, without serving Vaishnavas also, then it will be like pouring the ghee on ashes. In this way, Ishwararadhanenacha, one will be able to serve the lotus feet of Bhagavan. The boys became very inspired. Yes, immediately we will begin our bhakti. So then Prahlad Maharaj, he began to sing. Hare Krishna. So, iske baad mein Krishna Das ko de do. Prahlad Maharaj, chote se bacche ki baat sunkar, sare jitne asur ke balak the, un par pura vishwas ho gaya. उन्होंने कहा जी हमें क्या करना चाहिए. उन्होंने कहा जैसे जैसा कि उन्होंने बताया, सद्गुरु का पद आश्रय करके, उनके चरणों में अनकंडीशनल सरेंडर करके, भगवान का नाम कीर्तन स्मरण और ये सब करना चाहिए. तुम लोग आज से ही हमारे साथ में भगवान का नाम कीर्तन करो. और ये कह करके प्रहलाद महाराज जी सब बच्चों को लेकर के कीर्तन करने लगे. कौन सा? कन्हैया फिर से आ जाओ.
Thank you.
बच्चे सब तन्मय हो गए, सब बच्चों की शरीर की शुद्ध बुद्धि सब समाप्त हो गई। तन्मय होकर के हे नाथ नारायण वासुदेव, दोनों हाथों को उठा करके कीर्तन करने लग गए। वह ध्वनि हिरण्यकश्यपु के कानों में पड़ी। किसी दूत ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है, आपके सिंहासन के नीचे से ही और ये सब कीर्तन हो रहा है भगवान विष्णु का, नारायण का। पर साथ ही साथ हाथों में तलवार लेकर और गदा लेकर लोहे के अमृतगर वहां से बहुत क्रोधित होकर के लाल लाल आंखें करके चला और बच्चों को कहा, अरे क्या कर रहे हो, मेरे आदेश को अवलंघन करके और तुम हमारे शत्रु का नाम का कीर्तन कर रहे हैं। मैं तुम्हें लाड़ प्यार से पाला पोसा, मैंने जन्म दिया, मैंने लिखाया पढ़ाया, तुमको सब कुछ किया और तुम मेरी बात नहीं मान करके हमारे शत्रु का गुणगान कर रहा है। अच्छा तो ठहरो, किसके बल पर तुम इतना साहस करके हमारा विरोध कर रहे हो। ब्रह्मा तक शंकर तक हमारा विरोध नहीं करते, डर के मारे देवता लोग थर थर कांपते हैं, मनुष्यों की तो बात क्या।
और तुम हमारा विरोध कर रहे हैं किसके बल पर, अभी देखे तुम्हारे तुम्हारी कौन रक्षा करेगा, बोलो तो किसके बल पर तुम इतना घमंड में इतरा करके हमारी बात नहीं मानता। उसने बड़े नम्र स्वभाव से उत्तर दिया, बड़े ही नम्रता से, पिताजी जो आपका बल है वही मेरा बल है, वही सारे संसार के लोगों का प्राणियों का बल है, उसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, मैं उसी के बल पर बलियान हूं, उसी के बल पर निर्भर हूं, वही हमारा सब कुछ है। अच्छा कहां है तेरा, देखे तो अभी तुम्हारा सिर काटता हूं और देखे जो आकर के कौन रक्षा करता है, कहां है वह तेरा प्रभु, हमारा प्रभु सर्वत्र है, खड़ खंभ में है, रोम रोम में सबके है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां नहीं, तो इस खंभे में है बतला तो जरूर है। मैंने कहा जे सर्वत्र है, तुम देख रहा तो मैं देख रहा हूं, मैं तो नहीं देख रहा, इसमें है जरूर है। सत्याभिधा तुम निज भक्त भाषितम, अपने भक्त के कहे हुए बात कोई रक्षा करने के लिए भगवान साथ ही साथ में प्रस्तुत हैं। अयोध्या हरिजन कशपु ने कहा अच्छा तो देखो तेरे प्रभु का भी विनाश करके और मैं तुम्हें मारता हूं, देखेंगे कौन रक्षा करता है। खूब गर्जन करके सिंह की भांति और अपने एक घूसे से वज्र जैसे और खंभ को मारा, और जब ही मारा वो खंभ तो चूर्ण विचूर्ण हो गया और भयंकर सिंहनाद उसमें हुआ, ऐसी गर्जन जोर से हुई विश्व एकदम कांप उठा, हिरण्यकश्यप भी कांप उठा। कहां से यह शब्द आया, थोड़ी देर में देखता है क्या, न मृगो न मानुषम, ये तो हिरण भी नहीं है, सिंह भी नहीं है और मनुष्य भी नहीं है, किंतु दोनों का मिला हुआ। देखा जो ऊपर का इतना भाव सिंह बड़ा भयंकर, उनके लपटों से जटाओं से आग निकल रही, उनकी हजार हजार भुजाएं, हजार हजार सब अस्त्र को धारण किए हुए और सिंह जैसा भयंकर, और इधर शरीर मनुष्य जैसा हा? और बड़ी जोर से सिंहनाद की। उसने देखा अरे ये कौन है, यही मेरा काल तो नहीं, बस झपटा और उनको पकड़ने के लिए, किंतु उनको कौन पकड़ सकता है। और उस समय समय क्या था, न दिन था न रात थी, शाम का समय, कोई महीना नहीं था, बारह तो महीने होते हैं तो महीना कौन से कैसे नहीं, मल मास का समय था, लीप ईयर, महीनों का बचा हुआ भाग, इसलिए महीना भी नहीं दिन रात भी नहीं। भगवान ने झपट कर और उसे ऐसे पकड़ा जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसको अपने जंघे पर लेकर के उसे सुला दिया। अस्त्र शस्त्र नहीं, ऊपर और नीचे नहीं, घर के बाहर भीतर नहीं, देहली के पर दरवाजे पर, और देहली के ऊपर में अपने आप बैठ गया, उसके ऊपर में जबरदस्ती पकड़ करके उसे यहां पर गिरा दिया और अपने नखों को लेकर के ऐसा डुबाया पेट में और एकदम बाघ की भांति सिंह की भांति उसे फाड़ दिया और उसकी नाड़ी ताड़ी सब निकाल करके सब एकदम बाहर कर दी और उसे एकदम गले में लगा लिया। क्रोध से थर थर कांप रहे हैं, ये तो मारा गया मिनटों में, और उनकी जटाओं से आग निकलने लगी, सारा विश्व भयभीत हो गया, देवता लोग आए थे थर थर कांपने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी से अरे अब तो उनको शांत करो, अब तो हिरण्यकश्यपु मारा गया, नहीं कि मैं आज नहीं जा सकती, आज मेरे बस की बात नहीं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी जो आप तो उनके बड़े प्रिय हैं, आप थोड़ा सा जाकर के उनको शांत कीजिए, महाभय की बात, मैं नहीं जा सकता आज, आज जाने से मुझे भी ना जाने क्या कर डालेंगे। शंकर भी नहीं गए, ब्रह्मा तो खुद गए ही नहीं, बच्चे को कहा ये बेटा प्रहलाद तेरे लिए आए हैं, आज जगत का ध्वंस कर देंगे, हिरण्यकश्यपु तो तुम्हारा बाप तो मारा गया, और संसार को ये दग्ध कर देंगे, जल्दी से जाकर के इनको शांत करो। प्रहलाद महाराज जी जैसे सिंह का बच्चा सिंह होता है ऐसा एकदम फुदकता हुआ गया और कूद करके उनकी गोदी में बैठ गया, बैठने से उनका क्रोध शांत प्रशांत हो, जैसे आग में पानी डाल दी जाए एकदम शांत हो गई,
और उनके आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। बोले जे बेटा मेरे आने में विलंब हो गया, मुझको बहुत पहले आना चाहिए था, मैं नहीं आ सका, इसलिए तुम क्षमा करो मुझे, मैं तुमको कुछ वर देना चाहता हूं, मेरा दर्शन अमोघ है, इसका फल जरूर कुछ न कुछ होना चाहिए, इसलिए तुम कुछ वर मांगो। प्रहलाद महाराज जी निर्भीक रूप से छोटे बालक, उनको कोई डर भय नहीं, जैसे सिंह का बच्चा अपने सिंह की पीठ पर खेल रहा हो, उसकी गोदी में खेल रहे हो। उन्होंने कहा जे पिताजी मैं तो बनिया नहीं, बनिया क्या करता है, कुछ लेता है तब कुछ देता है, पांच रुपए की चीज पांच रुपया दे दो तो घटिया किस्म का दो रुपए का ही माल देगा, और उसमें भी तौलेगा, उस चौट तौलने में भी डंडी मारता है, वो अपनी मैया को भी नहीं छोड़ता, मैं तो धनी नहीं हो सकता, इसलिए मैं बनिया नहीं हूं, मैंने आपका भजन बनियागिरी के लिए कुछ लेने के लिए नहीं कहा, इसलिए हमारे अंदर में यदि कुछ मांगने की कुछ इच्छा हो आप कृपा करके इसको दूर कीजिए, मैं सदा के लिए आपकी सेवा करता रहूं। अच्छा बेटा तो भी मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर में मांगने की कुछ इच्छा नहीं है, तभी तो कुछ मांग। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा यदि आप देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए, हमारे पिताजी ने आपके चरण में बहुत अपराध किया, बहुत भक्तों को सताया, भक्ति का निरादर किया, इसलिए आप कृपा करके इनको क्षमा करके कुछ गति दे दीजिए। उन्होंने बेटा जिस स्कूल में तुम्हारे जैसे वैष्णव का जन्म होता है 21 पीढ़ी के लोग बिना भजन किए भी तर जाते हैं, जो लोग साधारण रूप में मध्यम श्रेणी के वैष्णव हैं जो अभी साधन भजन कर रहे हैं उन वे लोग का 14 कुल के ऊपर नीचे के माता पिता सबका उद्धार हो जाता है, और जिन्होंने अभी साधन भजन करना आरंभ किया है जैसे असुर बालक हैं साधारण रूप में, वो जब ही आरंभ किया है साधन उनके 7 कुल पीढ़ी के माता पिता सबका उद्धार हो जाता है। इसलिए मैं इनको तुम्हारे पिताजी का तो पहले ही उद्धार कर दिया है, तुम फिर भी कुछ मांगो, फिर भी मुझे यदि मांगना है तो ये मांगिए, मांगता हूं आपको भूल करके भगवान को भूल करके सारे जीव पृथ्वी में जितने हैं ये दुख भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसलिए हमारा यदि कुछ पुण्य है मैंने भजन किया है तो हमारा पुण्य लेकर के इनको दे करके इन सब का उद्धार कर दें, और मैं इन लोगों का सारा पाप लेकर के कोटि कोटि जन्मों तक मैं इस संसार में आता जाता रहूंगा और भोग करूंगा। भगवान के आंखों से फिर आंसू आ गए, बोले चे बेटा मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारे ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता, इसलिए जो लोग तुम्हारी और हमारी इस गाथा को सुनेंगे और कहेंगे और भगवान का नाम करेंगे उन सबको इस संसार से जरूर मुक्ति दे करके उनको चरण अपने चरणों में भक्ति दे दूंगा, इसमें कोई भी संदेश की बात नहीं है, कोई भी भूल नहीं है, कोई शंका ना करे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। इसलिए आज इस कथा को जो सुन रहे हैं मन से और आज ही से भगवान का कुछ नाम करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, प्रहलाद महाराज का चरित्र स्मरण करें, निश्चित रूप में गारंटी के साथ में जरूर उन पर भगवान कृपा करके अपने वचन की रक्षा करेंगे प्रतिज्ञा की, अन्यथा वो प्रतिज्ञा भंग के दोषी होंगे, भगवान प्रतिज्ञा करके उसको दूर नहीं करते, इसलिए आप लोग भी ऐसे ही समझिए। अब मैं ये बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने इतने भगवान का मैंने दिखलाया, भक्तों के वजह से उन्होंने दर्शन दिए, भगवान का दर्शन इतना सहज नहीं है इसलिए भगवान का रूप है, किंतु साधन के द्वारा मिलते हैं, प्रसाद दे देता साधन के द्वारा मिलते हैं, वो साधन क्या है, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, खूब सावधानी से सुनेंगे पालन करने की चेष्टा करेंगे, यही संतों के समाज में होता है, बिन सत्संग न पाप ही प्राणी, बिना सत्संग के ये चीजें नहीं होती,
और उसमें संत लोग बिना किसी स्वार्थ के दया परवश होकर के ये उपदेश देते हैं। मैं भी आप लोगों से किसी चीज की आशा नहीं करता। इतने बड़े दूर देश से भारत से आया इसी बातों को सुनाने के लिए। यदि इतने सुनाने में से एक आदमी भी हमारे उपदेश को सुनकर के उस पर चला उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वो जीवन मनुष्य लोग को भी वो तार देगा, अपने तो तारेगा दूसरों को भी तार देगा। इसलिए संत लोग बिना किसी छल छंद के, बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी लाभ के ये सब चीजें बतलाते हैं। हम लोग उनमें से नहीं हैं जो रामायण की कथा सुना करके प्रणाम का थाला रख देंगे, आरती करा करके पैसे ले लेंगे, ये नहीं। हम लोग आए हैं कुछ अपने भारतीय संस्कृति के विचारों को देने के लिए। आप लोग इसको ग्रहण करेंगे, रिटर्न में मैं कुछ नहीं चाहता। हम लोग कुछ भी, इतने लोग जो आए हैं ये भी रिटर्न में कुछ नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें बतला रहा हूं, खूब ध्यान से सुनेंगे और इसी में आप लोगों का कल्याण है। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। जिसमें भगवान को प्रीति हो ऐसी भगवान की तन से मन से वचन से धन से और भावनाओं से एकांतिक रूप से प्रभु का हम सेवा करें। तन से सेवा, मन से सेवा, वाणी से सेवा, उनका गुणानुवाद कीर्तन करना, कानों से सेवा, उनकी कथाओं का श्रवण करना, शरीर से उनको प्रणाम करना, उनके भक्तों का प्रणाम करना, हाथों से उनका अर्चन करना, पैरों से उनके तीर्थों में जाना, ये सब भगवान की सेवा है। तन से मन से वचन से और भावनाओं से सब प्रकार की भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितने भी चेष्टाएं हैं इस चेष्टाओं को भक्ति कहते हैं। किंतु उसमें दो शर्त और है, उसमें किसी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं होनी चाहिए। कोई भी कामना ना हो, सब प्रभु पर छोड़ दो, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए केवल हो। और वो सारी चेष्टाएं ज्ञान कर्म योग तपस्या व्रत होम स्वाध्याय इत्यादि के द्वारा आच्छादित न हो। भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना, भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान और कर्म के द्वारा हो जाएगा। ज्ञान के द्वारा हम भक्ति कर लेंगे, जान लेंगे भगवत तत्व को, ये असंभव है। कर्मों के द्वारा भगवान को जान लेंगे असंभव है, इनके द्वारा भक्ति ढक जाती है। कैसे, हम आपको एक उदाहरण के द्वारा सहज रूप में बोधगम्य रूप में आप लोगों को समझाने की चेष्टा करेंगे। कैसे, महाराज दशरथ राम 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 कह करके प्राण त्याग चुके हैं। कैकेयी को उन्होंने वर दिया था, ये तुम्हें दो वर दूंगा, तुम मांग लो। उसने वर मांगा यही रामचंद्र जी का, जो आज अभिषेक होने जा रहा है, उनको राज्य भी राजगद्दी दी जा रही है, उनको तिलक राज सिंहासन का दिया जा रहा है, वो बंद हो। भरत का राजगद्दी पर ये राज तिलक हो, भरत राजगद्दी पर बैठेगा, ये पहला। और 12 वर्ष के लिए रामचंद्र जी का वनवास हो, 14 वर्ष के लिए उनका वनवास। दो बातें, पहली बातें रामचंद्र भरत जी अयोध्या के पृथ्वी के राजा हों, आज तिलक दिया जाए राम के बदले, और रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास दिए। ये नहीं कहा कि 14 वर्ष के बाद में रामचंद्र जी लौट आएंगे, इसके बाद में राजा हो जाएंगे, ये नहीं। भरत को राज्य मिले और रामचंद्र जी 14 वर्ष तक बाहर रहेंगे तो इसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा, फिर आएंगे भी तो उनको कोई नहीं पूछेगा, फिर उनको राज्य तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए ये दो वर माने। महाराज रामचंद्र जी को बुलाया, कह नहीं सके, कैकेयी ने ये कहा तुम्हारे पिताजी यही चाहते हैं कि तुम 14 वर्ष के लिए वन में जाओ और भरत का यहां पर राजगद्दी मिले। रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने
महाराज दशरथ को प्रणाम किया और सीता जी लक्ष्मण जी को लेकर के चले। मैं संक्षेप में बतला रहा। इधर रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण को लेकर के निकले और सिंहवेरपुर में पहुंचे, रात में उनकी सारी प्रजाएं और सब लोग उनके पीछे पीछे चले। अयोध्या प्राय सुनी हो गई। महाराज दशरथ हाराम हाराम और हारा मन न कर सके, प्राण निकल गए। चारों तरफ में लोग रोने पीटने लग गए। अब यह संवाद भरत जी को और शत्रुघ्न जो ननिहाल में थे यह भेजा गया और वहां से बड़े तेज घोड़ों पर रथ के सहारे वो आए। अयोध्या को उन्होंने देखा जी विधवा जैसी है। उनके आगमन के लिए स्वागत के लिए कोई नहीं आया। जब वहां से भीतर में पहुंचे देखा गधे रो रहे हैं, शिकाल रो रहे हैं, चारों तरफ में अक्सुन हो रहे हैं। क्या मामला, कैसे ये हुआ? जब गए तो देखा जैसे ये तो मेरी मैया के पास में महाराज दशरथ रहते थे, तेरा वहां पर जाए पिताजी से तो भेंट करूं। तो वहां गए, कैकेयी जी वहां पर मंथरा के साथ में खड़ी थी। देखा जब उनके सिर में सिंदूर नहीं है, उन्होंने कहा जी मैया ये क्या बात, पिताजी कहां है? तो पिताजी तो परलोक सिधारे, क्यों? सब कुछ तेरे लिए बेटा किया, मैंने तेरे लिए राज्य मांगा। और राम को, राम कहां है? लक्ष्मण वो तो वनवास में गए, क्यों? मैंने यही बार मांगा तुम्हारा राज्य निष्कंटक होने के लिए, 14 वर्ष तक वो बैनर है, वो तो निकल गए और उनके शोक में हाराम करते हुए मारे गए। अच्छा, तो तुम मेरी मैया नहीं रहे, आज रामचंद्र हमारे ऊपर में क्रोधित नहीं होते तो मैं तुम्हें आज मैं काट देता, तुम्हारा वध कर देता। आज से तुम्हारा मैया और हमारा पुत्र इन दोनों का संबंध विच्छेद हुआ। अब भविष्य में मैं तुम्हारी मैया मेरी नहीं रही, मैं तुम्हारा बेटा नहीं रहा। तुमने राम के प्रति ऐसा व्यवहार किया, मुझे महाराज पिताजी के लिए दुख नहीं, तुम विधवा हो गई इसके लिए भी दुख नहीं, पिता के लिए दुख नहीं, तुमने भैया को राम को जैसे भाई और उनको तुमने वन में भेजा। अच्छा ठीक है, अब से तुम्हारा संबंध नहीं। इतने में मंथरा आई और कहे चलो तुम्हारे लिए राज सिंहासन है। अच्छा राज सिंहासन है। इतने में शत्रुघ्न जी ने उसके कुबड़ पर ऐसी लात मारी कि वह मरने वाली थी, चिल्लाने लगी रक्षा करो रक्षा करो। तब किसी प्रकार से भरत जी ने उसकी रक्षा की। इसके बाद में कौशल्या के यहां गए, बड़े रोए धोए। दूसरे दिन उन्होंने घोषणा की मैं आज ही महाराज वशिष्ठ और सारी सेनाओं और मंत्रियों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में मैं चित्रकूट में जाऊंगा जहां मेरे भैया हैं, और उनको मना करके ले आऊंगा, उनको राजीव गद्दी पर बैठा करके मैं उनकी सेवा करूंगा। ये कह करके सबको लेकर के चित्रकूट में चले। कैसे चित्रकूट में चले, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है और हमारे आदि वाल्मीकि जी ने, कवि ने, जो समस्त गुरुओं के गुरु हैं, जो तुलसीदास के भी गुरु हैं, उन्होंने वर्णन किया है वाल्मीकि मार्मिक रूप में। मैं समझता था कि तुलसीदास जी बड़े कोमल स्वभाव के हों, मैं देखता हूं कि तुलसीदास जी बड़े कठोर हृदय के थे। क्यों? जिनका रामचरितमानस पढ़कर के सभी लोग रोते हैं, उनकी कलम कैसे थीर नहीं होगी, कैसे उन्होंने रामचरित को लिखा, खुद लिखा, प्रेम में गल गए होंगे तो उनकी कलम कैसे चलती होगी, जिसके पढ़ने से सारे दूसरे लोग रोते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि न जाने कैसे उनका कठोर है न कोमल, मैं नहीं वर्णन कर सकता। मैं तो एक चौपाई पढ़ करके भी स्थिर नहीं रह पाता। जब वहां पर गए इसका वर्णन उन्होंने दिया बड़े मार्मिक रूप से, एक कठोर हृदय भी पिघल जाएगा। चित्रकूट में पहुंचे, कैकेयी ने कौशल्या जी से कहा दीदी बहन भरत तो मुझे मैया कहता नहीं और मुझे ले नहीं जाएगा कहने से भी अपने साथ। बहन तू बड़ी दयालु है, तुम हमारे साथ में अपने साथ में हमें ले लो। मैं राम को कह करके
अपनी जो बर मांगा है मैं लौटा लूंगी और उसको ले आकर के यहीं पर राज्य दिलाऊंगी, इसलिए मुझे भी साथ ले चल। कौशल्या ने उनको भी साथ ले लिया, कई कई सुमित्रा और ये भी गई, वशिष्ठ जी गए, विश्वामित्र को बुला लिया गया और बड़े बड़े ऋषि महर्षि वामदेव इत्यादि सभी उनके साथ मिल गए। चतुरंगिणी सेना सज करके चली और कैसे जब चित्रकूट में पहुंची, लक्ष्मण जी तो देख करके बोले जैसे भरत अब आया है हमें मारने के लिए, राम को मारने के लिए, अच्छा तो मैं आज भरत को भी मारूंगा, शत्रुघ्न को भी मारूंगा और पृथ्वी को ध्वंस कर दूंगा और गए करके राम भैया को वहां पर बैठाऊंगा। आज लोग मैं शिव की साक्षी और भैया की साक्षी देकर के कहता हूं मैं जरूर इसे मारूंगा, आज सारी पृथ्वी देखे। राम ने कहा जी देखो तुम चिंता मत करो, भरत के समान पृथ्वी में कोई दूसरा नहीं है, हो तन भव तल भाव भरत को, यदि पृथ्वी में भरत का प्रेम का भाव जगत जगत में नहीं होता तो पृथ्वी शून्य रह जाती, इसलिए तुम थोड़ी सी प्रतीक्षा करो और नहीं तो तुम ऐसा करोगे तो पीछे पछताओगे, तुम थोड़ा सा धैर्य धारण करके रहो देखो तो क्या होता है। भरत जी वहां पर आए, राम के चरणों में लकटू की भांति गिर गए, रोने लगे, रामचंद्र ने उन्हें गले लगा लिया। उस समय उनका जो मिलन हुआ उसको देख करके पत्थर भी पिघल जाएगा, सारे लोग रो रहे हैं, राम भी रो रहे हैं, भरत भी रो रहे हैं, किसी प्रकार से सबको शांत किया। भरत जी कुछ कह नहीं सकते, प्रेम में पगे हुए, भैया तुमको लौट जाना ये भी भूल गए, राम ने भी ये नहीं पूछा जी किस लिए तुम आए ये भी भूल गए। किसी प्रकार से वो दिन बीत गया, उनको पता लगा राम को जो महाराज दशरथ मेरा नाम करते हुए पिताजी परलोक सिधा रहे। दूसरे दिन उनको इमली का चूर्ण बना करके आटा उसका पिंड बना करके वहां पर सरजुक में सरजू नहीं गोम वहां पर नदी है चित्रकूट में, उस चित्रकूट के नदी में उन्होंने उनको संस्कार कराया और पिंड दान किया। इसके बाद में उस दिन भी किसी का भोजन नहीं हुआ, उपवास रहे। आज पहली बार उन्होंने सुना था सब लोग उपवास रहे। दूसरे दिन फिर स्नान स्नान करने के बाद में सब लोग बैठे हुए थे, इतने में सुना जी महाराज जनक भी आ गए हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई सबको, अब तो सभी लोग मिल करके राम को लौटा ले जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। रात में सब लोगों ने विश्राम किया, महाराज भरत जी तृतीय दिन रात भर नींद नहीं आई, कैसे भैया को ले जाऊं, कैसे उनको राज्य पर बैठाऊं, इसलिए सोच रहे हैं पहले गुरु जी की बात जाऊं, गुरु जी की आज्ञा को टाल नहीं सकते राम, इसलिए यदि गुरु जी कह देंगे तो जरूर ही वो लौट जाएंगे। और दूसरी बात मैया कौशल्या है, इनके पास भी जाऊंगा और ये आदेश दे देगी, मैया तो वो कभी भी टाल नहीं सकती। और तीसरे कौन व्यक्ति हैं, महाराज जनक उनके ससुर और पिता हैं, महाराज जनक के दशरथ के समान, उनकी आज्ञा का ये भी विरोध नहीं कर सकते। आज बड़ी बात सब ठीक हुई है, मैं आज तीनों के चरण में जाकर के मैं निवेदन करूंगा जो राम को आदेश दें जो वो लौट जाएं। सीता जैसी कुमलांगी और ये बिना जूती के और कहां कहां घूम रहे हैं राजकुमारी खाली पैरों में, और ये राम सन्यासी का वेश बिना करके और खाते क्या हैं, कोई फल मूल मिल जाए तो खा लिया, नहीं उपवास रहे। और पहाड़ियों पर जिस पर हम लोग नहीं चल सकते, हम विंध्याचल और उधर की पहाड़ियों में गए, हम लोग जूता पहन करके भी नहीं चल सकते, बिच्छू और जानवर सांप इत्यादि भरे पड़े, बड़े नोकीले नोकीले पत्थर और उसमें खाली पैर चल रहे हैं, सुन करके हृदय कांप जाता है। पर जिन्हें रात भर सोचते रहे ऐसा करूंगा ऐसे ले चलूंगा, दूसरे दिन सवेरे नदी में स्नान किया और स्नान करने के बाद में फिर राम के पास में गए, किंतु कोई बात बनी नहीं। रात में फिर आज गए गुरुजी के पास, गुरुजी
हमारा एक निवेदन है, निवेदन है कि अयोध्या के लिए, पूर्ववासियों के लिए, जगत के हित के लिए, मेरे हित के लिए, हमारी माताओं के हित के लिए आप राम को आदेश दे दीजिए जो वो अयोध्या में लौट करके राज सिंहासन को ले। उन्होंने कहा बात तो सहज नहीं है बेटा, मैं चाहता हूं कि राम सीता और लक्ष्मण के साथ में लौट जाए, मैं तो चाहता हूं, किंतु बात कैसे बने? तुम भी जैसे प्रेमी हो, राम के भक्त हो, राम भी धर्म धुरंधर हैं, उनको सत्य से डिगाना सहज नहीं है। महाराज दशरथ ने ऐसा कहा है, पिता का आज्ञा पालन करना, छोड़ करके वो सहज ही नहीं जाएगा। तब एक बात है, यदि सर्वस्व कहीं जा रहा हो तो आधे को भी यदि लेकर के संतुष्ट हो जाए तो बात ठीक है। जैसे जहां हमारे 1,01,00,000 रुपए की घटी हो रही है तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, 50,000 में ही संतुष्ट होकर के अच्छा 50,000 तो हाथ में आया उसके लिए ही चेष्टा करेगा। तुम एक बात करो, तुम राम के चरणों में ऐसा कहो कि भैया जी आपके बदले में हम और शत्रुघ्न जी जा रहे हैं वन में पिताजी का आगत देश पालन करने, और आप सीता और लक्ष्मण जी लेकर के आप लौट जाइए और ये तिलक करने के लिए राशिंगासन के लिए सारा सामान हम ले आए हैं, मंगल की वस्तुएं, तीर्थों का जल और सब जल जो आपके राज्याभिषेक के लिए मंगाया गया था सप्तपुरियों से, कहां कहां से, समुद्र से, वो सारा का सारा चीज मैं ले आया हूं, ब्राह्मण भी आए हैं, वो सब आपका राज तिलक कर देंगे और आप अयोध्या का पालन कीजिए और हम और शत्रुघ्न जी आपके आदेश को पालन करें। उन्होंने कहा बात तो बड़ी अच्छी है भरत जी, ठीक है मैं राम से कहूंगा ऐसा, मैं तो ये कहूंगा यदि ये भी नहीं मानते तो लक्ष्मण जी के बदले मैं उनके साथ में रहूं, हमको लेकर के हो जाए और लक्ष्मण जी को सीता जी को लौटा दें, यदि ये भी नहीं मानते हैं तो हम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों बन को जाते हैं और सीता जी को लेकर के लौट जाएं, हम इसमें भी राजी हैं, किंतु किसी प्रकार से राम लौट जाए। अच्छा तो कल ये बात देखी जाएगी, आप नहीं कहेंगे आदेश नहीं देंगे। अरे बेटा तुम कैसे कहते हो, मैं कैसे आदेश दूं, राम तो सत्य के पथ में है, धर्म के पथ में है, उसको अधर्म कैसे कराऊं? पहले बात वो मान तो जाए तब फिर देखी जाएगी। कौशल्या के पास में गए रात में 12 बजे रात में, मैया तू अभी तक जग रही है, तो बेटा मैं क्या करूं मुझे नींद नहीं आती, तू कैसे आया? तो मैया तू एक बात कर, तुम अपने बेटे को राम को यह कह दो कि अयोध्या में लौट जाए और राज्य ले ले। बेटा मैं कैसे कहूं, कैसे नहीं, मैं अधर्म की बात कर रहा हूं, मैं गलत बात कहता हूं? नहीं बात तो तू ठीक कहता है, तेरी बात को कौन काट सकता है, तुम ठीक कह रहा है, ये तो जरूर होना चाहिए, तुम्हारे तरफ से ये ठीक है, किंतु वो भी तो पिता और मैया दोनों की बात मान करके आया है। मैं कहती यदि केवल कह कही कहती तो मैं कह देती, किंतु उसमें महाराज दशरथ तुम्हारे पिता का भी कुछ राय थी, इसलिए मैं नहीं कह सकती, क्योंकि पिता का वचन वो मान करके गया है, उसका पालन करने के लिए मैं कैसे कहूं जो धर्म को छोड़ करके असत्य पथ पर आए। वहां से भी बात नहीं बनी, रात में ही सुनैना के पास में गए, सुनैना जी सीता जी को लेकर के बड़ी व्यस्त थी, रो रही थी, ये सन्यासी का वेश बना करके, चीर पहन करके और राम के साथ में पैदल घूम रही है, कीड़े मकोड़े सर्प राक्षस से भरा हुआ ये उसमें जा रही है, कैसे जिएगी कैसे रहेगी, इसलिए वो भी नहीं सो पाई। देखा उनके घर में दिया टम टिमटिमा रहा है, वहां पर पहुंचे भरत, उनके पैरों में गिर गए, बोले जी मैया तू भी मेरी मैया है। महाराज जनक आए हैं, जनक के आदेश को वो कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए आप जनक जी से कह दो तुम्हारी बात मानेंगे कि वो आदेश दें कि वो अयोध्या को लौट जाए। अच्छा
तो ठीक है, मैं तो चाहती हूं। तो मैं जनक जी से अपने पति से मैं कल सवेरे मैं बतलाऊंगा और वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, वो राम को कहेंगे आदेश देंगे। ठीक है, भर जी गए। फिर रात सवेरा हो गया, नहीं सो सके। आज सभा बुलाई गई, स्नान करने के बाद में सभी लोग वट वृक्ष के नीचे में बैठे। महाराज जनक एक तरफ में बैठे, वहीं पर विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और ऋषि लोग उनके सामने बैठे, सामने जैसे रामचंद्र जी हैं तो सामने वो लोग बैठे। एक तरफ में अयोध्यावासी माताएं सब बैठी, भरत उसके सामने आगे बैठे और एक तरफ में और सब प्रजाएं बैठी। मुनियों का समाज जैसा बड़ा ही सुंदर समाज बैठा। सब लोगों ने कहा यह भार महाराज जनक के ऊपर में दिया जाता है, आज के सभापति इस सभा का हो महाराज जनक। ये ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, संसार से इनका कोई भी मतलब नहीं है। ततएव आज ये जो ऐसा निर्णय देंगे, आज दोनों पक्षों को मानना होगा। राम ने कहा ये हमारे पिता तुल्य हैं, गुरु तुल्य हैं और ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म की अनुभूति करने वाले हैं, इसलिए ये जैसा कहेंगे मैं बिना कुछ विचार किए हुए इनके शरीर इनके आदेश को सिर पर रख करके वैसा ही करूंगा। भरत की तरफ में जनक जी ने देखा, तुम्हारी क्या राय है, आप हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं और आप जैसा कहेंगे मैं आपके वचन को मानने के लिए, आदेश को मानने के लिए बाध्य हूं, जरूर सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं आप जैसा कहेंगे मैं मान लूंगा। ठीक, उन्होंने ध्यान लगाया महाराज जनक ने। उनके गुरु शंकर जी हैं, वैष्णवानंग जथा शंभु शंभु नारद, उनको शंकर जी का ध्यान लगाया गुरु, आप जैसा कहेंगे वैसा कहूंगा, जैसी प्रेरणा देंगे, और उनको प्रणाम करके बोले देखो भाई मैं अपने निर्णय पर पहुंचा हूं, ये भरत का प्रेम अगाध समुद्र है, अगाध समुद्र प्रेम, और दूसरी तरफ राम का, राम जो है परम सत्यवादी धर्म के सुमेरु पर्वत हैं, धर्म या धर्म की मर्यादा के सुमेरु पर्वत हैं। भरत का प्रेम नियम मर्यादा कुछ नहीं जानता, वो केवल प्रेम प्रेम जानता है। राम के प्रति उनका अगाध प्रेम है, जिसमें राम के धर्म की मर्यादा डूब जाएगी, मर्यादा भी उसमें डूब जाएगी, किंतु डूब करके भी उसकी प्रेम की एक मर्यादा होती है। वो प्रेम की मर्यादा क्या है, वो अटल अटल रहेगा, उसमें भी कुछ मर्यादा है प्रेम में। आज मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं, विचार करके भरत की जीत हुई, इसके प्रेम की जीत हुई, और राम की मर्यादा उस प्रेम के ओशन में असीम अगाध समुद्र में ये डूब गया, इसलिए भरत की मैं जीत कहता हूं। अब भरत जैसा कहे वैसे राम को करना है। अब सुन करके बड़े लोग सब प्रसन्न हो गए, जो भरत तो यही कहेंगे कि अब राजा आप बनिए और चलिए वहां पर। किंतु फिर जब सब लोग प्रसन्न हो रहे थे और मन ही मन कह रहे थे अब तो राम हमारे साथ में लौटेंगे, उसी समय में फिर जनक जी ने कहा कि देखो प्रेम की भी एक मर्यादा होती है। क्या मर्यादा होती है, अपनी मर्यादा है। वो प्रेम की मर्यादा है कि जिसमें प्रेम है, प्रेमी पुरुष अपने आराध्य देव के प्रेम के लिए सर्वस्व त्याग करता है, वह देखता है कि हमारे प्रभु कैसे सुखी होंगे, बस और कुछ नहीं जानता। इसलिए भरत को चाहिए कि राम की रुचि समझें, राम की चीज में प्रसन्न है वो करें, अपने मन से मत करें। भरत की जीत होने पर भी भरत देखें कि रामचंद्र जी को क्या करने से सुख होगा, कैसे उनका मन प्रसन्न होगा, ये भरत देखे और फिर वैसा करें। भरत जी ने कहा मेरी आंख खुल गई, आज तक मैं नहीं समझ रहा था,
मैं समझ रहा था कि मेरे अयोध्या में राम के आने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं अपनी प्रसन्नता देख रहा था, राम का सुख नहीं देख रहा था। जय राम को कैसे सुख होगा? भक्ति किसको कहते हैं? भरत जी भक्त हैं और रामचंद्र जी क्या हैं? आराध्य हैं। अन्य अभिलाषता शून्य, जिसमें किसी प्रकार से अपने सुख की लालसा न हो, आराध्य देव सुखी रहे, बस ये भाव रहे। टू प्लीज कृष्णा, तस्वे नो वर्डली एनी डिजायर फॉर हिमसेल्फ, नो डिजायर एट ऑल। तो यहां तो मेरे अंदर में डिजायर है भरत जी, थिंकिंग दैट ओ देर इज सम डिजायर इन माई हॉर्ट दैट आई शुड बी प्लीज, वेर राम शुड प्लीज आर नॉट। राम प्रसन्न है कि नहीं ये मैं नहीं देखता, मैं ये देखता कि अयोध्यापुरवासी और मैं प्रसन्न होऊंगा, ये मैं देख रहा हूं। आज मेरी आंखें खुल गई, हमारे जनक जी ने हमारी आंखें खोल दी। प्रेम का यह रीति नहीं जो मैं सोच रहा था, अपना सुखी ये नहीं, बल्कि हमारा आराध्य देव कैसे सुखी होगा ये देखो। अब वो रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, जे प्रभु आप क्षमा कीजिए, आपको कष्ट दिया, आप किसमें प्रसन्न हैं ये बतलाइए, क्या करने से अब मैं वही करूंगा, आप आदेश दीजिए, अब मैं आपको निवेदन नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे जिसमें आप प्रसन्न होंगे वही मैं करूंगा। राम ने कहा, महाराज जनक ने तो कहा है जे तुम जीत गए मैं हार गया, तो सचमुच मैं हार गया, तुम जीत गए हो, इसलिए मैं अयोध्या का राज्य मैंने ले लिया, मेरा अभिषेक हो, मैं अयोध्या का राजा बन गया, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, किंतु मैं ये चाहता हूं कि पिताजी का आदेश भी पालन हो, इसलिए 14 वर्ष के लिए तुम हमारे प्रतिनिधि बनकर अयोध्या का पालन करो और मेरे लिए प्रतीक्षा करो, हमारा बन करके, मैं ही राजा हूं तुम नहीं, तुम सेवक की भांति तुम रहना और अयोध्या की रक्षा करना, प्रजाओं की रक्षा करना और धर्म का प्रचार जैसे हो, सब लोग धार्मिक हों, प्रजाएं सुखी हों, ऐसा करना, अपनी बुद्धि को और अपने कर्म को हमारी सेवा में लगाओ, ऐसा नहीं कि कर्म और ज्ञान भक्ति को दबा दे, ऐसा नहीं। कैसे दबता है? दबता है इसके बहुत से उदाहरण है, मैं कल बतलाऊंगा, आज समय हो रहा है 10 बजने को है, इसलिए संक्षेप में बतला रहा हूं। कभी कभी कर्म के द्वारा भक्ति दब जाती है। श्रुतियों में लिखा है माता पिता का आदर करना चाहिए, किंतु प्रहलाद महाराज अपने पिता का यदि आदेश पालन करता हिरण्यकश्यपु का तो भगवान का भजन कर सकता था। अरे ये भगवान तो हमारे पिता के पिता के परम पिता के विश्व के पिता है, ब्रह्मा इत्यादि के पिता है, इसलिए पहले उनका होना चाहिए, हिरण्यकश्यपु तो बाधा देता था। इसलिए तजउ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजउ कंत बन ब्रजतन भय जग मंगलकारी। तजउ पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने क्या किया? अपने पिता का प्रत्याग किया, क्योंकि भगवत विरोधी था। मैया को किसने प्रत्याग किया? महाराज भरत ने। गुरु का कौन प्रत्याग किया? जो भगवान के भजन में बाधा देते हैं, सत्संग में जाने नहीं देते, उसको मना करते हैं अपने शिष्यों को, ओ कोई वैष्णव आए हैं उनके सभा में मत जाना, सुनेगा तो तू उनका बन जाएगा, हाँ फिर हमारा जो लाख रुपया पैसा और प्रतिष्ठा थी वो नहीं मिलेगी, वो मना करता है। उनको भी दूर से प्रत्याग कर दो एक क्षण में। भाई को किसने प्रत्याग किया? विभीषण ने अपने भाई को भी, रावण को उन्होंने प्रत्याग करके रामचंद्र जी की तरफ में आ गए। भले गुरु तजब कंत बने ब्रजतन, और ब्रजवंताओं ने अपने पतियों को प्रत्याग कर दिया जो कि भगवान के भजन में बाधा देते थे, उनको भी छोड़ दिया, सबका कल्याण हुआ। तुलसीदास जी ने मीराबाई को यह पत्र दिया था, उन्होंने पूछा था कि हमारा पति हमारे घर वाले विरोधी हो रहे हैं, क्या करो, उन्होंने सबको छोड़ करके भगवान का भजन करो, जब तक संसार अनुकूल है ठीक है, नहीं तो उनको छोड़ देना ही कर सकते हैं। इसलिए माता पिता भाई बंधु यदि भगवान में विरोध करते हैं तो वो भी, यहां तक कि गुरु को भी छोड़ देना चाहिए जिसके लिए हमने भजन किया, और यदि उसी के भजन में गुरु बाधा देते हैं गुरु को भी प्रत्याग करना उचित है। इसलिए भरत रामचंद्र जी ने कहा, देखो मैंने राज्य ले लिया, अंगीकार कर लिया, 14 वर्ष के लिए तुम मेरे प्रतिनिधि हो,
और ये सारे राज्य को तुम पालन करो। 14वां वर्ष पूरा होते ही उसी दिन एक दिन विलंब की नहीं करूंगा और यहां पर आकर के तुमसे राज्य ले लूंगा और फिर हो जाएगा ठीक। भरत जी ने कहा ठीक, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो भी करूंगा, मैं अयोध्या को लौट रहा हूं, आप कृपया अपने प्रतिनिधि रूप में अपनी खड़ाऊं की जोड़ी दे दीजिए। रामचंद्र जी ने अपने खड़ाऊं उनको दे दी और उन्होंने सिर पर ले लिया और ले करके अपने माताओं के साथ में सबके साथ में लौट गए। ये भक्ति है। तो भक्ति क्या हुई? तन से, मन से, वचन से, अपनी सारी इंद्रियों से भगवान को सुखी करने के लिए जो हमारी सब चेष्टाएं हैं सब उनके लिए हो, और अपने हृदय में उस भक्ति के लिए जो साधन कर रहे हैं अपने लिए कोई भी कोई कामना ना हो, कोई भी डिजायर होगा तो सकाम भक्ति हो जाएगी, भक्ति नहीं रहेगी। और तीसरी चीज, कर्म और ज्ञान के द्वारा ढकी नहीं हो, बल्कि उसका सारा कर्म जो शरीर के द्वारा हो रहा है, मन के द्वारा हो रहा है, वो सभी प्रभु के सुख के लिए हो, तब ये उत्तमा भक्ति होती है। अब इसका उदाहरण हम कल श्रीमद् भागवत से आप लोगों को सुनाएंगे। आज समय हो गया है, अभी कीर्तन करके आरती करके हम लोग समाप्त करेंगे। आज नगर संकीर्तन शायद नहीं हुआ, कल आप सभी लोग टुडे परहैप्स नो नगर संकीर्तन। आई वॉन्ट दैट ऑल शुड गो, ऑल शुड गो, आई डोंट वॉन्ट दैट यू शुड नॉट गो, वेदर राम विजय प्रभु और एनी वन, आइदर पुंडरीक प्रभु और एनी वन, आई वॉन्ट दैट यू शुड ऑल। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट सुबह निवासी, वो भी जिनको समय हो, जो अपने काम पर नहीं जा रहे हों और उनकी कल छुट्टी हो, तो इनके साथ में सहयोग करेंगे। बहुत दूर से हम लोग आए हुए हैं, इसलिए आप लोग भी जिसको सुयोग हो वो करेंगे। इसमें एक हरिनाम करने से ही संसार से में हमारा उन्नति का कारण बन जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने नगर संकीर्तन की कहा। सहज रूप में इस नगर संकीर्तन से होता क्या है कि जीव जितने हैं, जंतु हैं, घास हैं, पेड़ हैं, जो सुनना नहीं चाहते, जो नास्तिक भी हैं, उनके कानों में यह आवाज जाएगी और क्या करेगी ने? जैसे उदाहरण के लिए समझिए, जैसे आवाज को पकड़ती है करंट हवा की, और अमेरिका से कोई बोल रहा हो करंट के माध्यम से वो हमारे यहां पर पहुंच जाती है, होता है ना? ऐसे भगवान का नाम जो हम करते हैं, संसार में प्रदूषण फैला हुआ है, मारो काटो, गाली गलौज, राजनीति इत्यादि हो हल्ला चल रहा है। भारतवर्ष में जब वोट होता है, वोट इलेक्शन होता है, तो पार्टियां दिन रात शाउटिंग करती हैं, हो हल्ला मचाती है। केवल भारतवर्ष में नहीं, पटाखा छोड़ते हैं, बम छोड़ते हैं और हो हल्ला करते हैं। संसार में बुरे लोग दुष्कर्म करते हुए अमेरिका में न्यूयॉर्क में मैं गया, वाशिंगटन में गया, मैं वहां पर सड़क के किनारे घर में ठहरा था, रात में न्यूयॉर्क में उस सड़क पर देखा 50 लोग शराब पीकर परस्पर गाली गलौज, मारा मारी, फिर पकड़ते हैं, इधर करते हैं, नंगे बिल्कुल हो जाते हैं, होश नहीं। ऐसा मैंने देखा जी, अमेरिका को मैं समझता था जी सभ्य, मैं तो समझता हूं कि दुनिया में सबसे असभ्य यदि कोई देश है तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। कुत्तों, कुत्ते भी ऐसा नहीं कर सकते। अरे इसी से तो देखिए, मैं देख करके हैरान हूं, जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका जैसे राष्ट्र के, और अपने एक गर्ल ऑफिसर ऑफिस के ऊपर में मुग्ध हो गए, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सका, वो अपने देश का और विश्व का क्या कल्याण कर सकता है। मैं उन्हीं के लिए नहीं कहता, जो ऐसे हैं सबके लिए कह रहा हूं। ऐसे प्रदूषण जो फैल रहे हैं उनमें हरिनाम संकीर्तन किया जाए, वायु के माध्यम से सारे विश्व में फैल जाता है और उसमें विषाक्त जो जीवाणु है उसको शांत कर देता है। कैसे? एक सरोवर में पत्थर फेंक दीजिए, उसमें गोल गोल रेखाएं खींचेंगे और उसके अंतिम छोर में जाकर के छुएंगे,
उसी तरह से वायु के करंट के माध्यम से ये जो साउंड है ट्रांसेंडेंटल साउंड वो प्रवाहित होकर के विश्व के ओर छोर में ही क्या अनंत कोटि विश्वों को छो करके और उसमें जो मलिनता है जिसमें प्रदूषण है उस सबको दूर कर देगा, आपके चित्त को भी शांत कर देगा। इसलिए नगर संकीर्तन की चैतन्य महाप्रभु ने व्यवस्था की, उन्होंने कहा कि विश्व में जितने भी नगर गांव हैं सब जगह ये कीर्तन प्रचलित होगा। इसलिए हम लोगों का ये भी एक व्रत है कि उच्च स्वर से नगर संकीर्तन करें, जो गधे हैं घोड़े हैं जो घास है पेड़ है पौधे उनके भी कान है उनमें भी जाएगा, नहीं जानते तभी उनका कल्याण हो जाएगा, ऐसा ये हरिनाम है। इसलिए आप सभी लोग यू शुड मस्ट गो ऑल विदाउट फेल एंड इफ यू आस्क मी आई एम रेडी टू गो बट कुछ मैं आसक्त हूं, मैं अधिक चल नहीं पाता हूं कुछ वजह से, इसलिए आप लोग जरूर जाने। तो मैं नगर संकीर्तन में 10-10 मील परिक्रमा में जाता था, परिक्रम करता था, अभी भी मैं कर सकता हूं तो फिर मैं प्रवचन नहीं कर सकता इसलिए। तो इसलिए कल मैं नगर संकीर्तन भी होना चाहिए और कल और परसों दो दिन है, आप अपने बंधु बांधव को कुटुंबों वालों को भी ले आएंगे, ऐसी सुंदर कथाएं हैं। कहा जाने कि भाई पैसा वो नहीं मांगे ना, पैसे के लिए मत डरिए, और समय भी तो उस समय तक दुकानें बंद हुई जाती हैं 7:30-8 तक आप लोग आ जाएंगे, अपने बच्चों को भी छल से बहाने बना करके उनको भी लाएंगे, दो दिन का आप समय है, इसके बाद में हम लोग दूसरी जगह चलेंगे। इसलिए अब कीर्तन हो और इसके बाद में आरती करके समाप्त कर
He's brushing a half a lack of teeth. Pastime. And then that would have to exist because, as Gurudev said, Krishna is Vishrai, Shrimati's Ashrai, but also he's the potent, the chief of potency, right? So he can't do anything without she's the active principle in his life. Yeah. So his pastimes are dependent on her boss. Right. Right. Offering on him the very nice. Very nice point. Okay. My brilliant qualified god brothers there on video. I'll help you.